महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के उपलक्ष्य में श्री अग्रसेन धाम द्वारा दिल्ली विधानसभा परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल द्वारा की गई, जिसमें दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में अग्रवाल समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति भी मौजूद रहे। महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रामनिवास गोयल ने महाराजा अग्रसेन जी के जीवन चरित्र पर वर्णन किया, साथ ही देश एवं समाज के विकास में अग्रवाल समाज की भूमिका पर भी रोशनी डाली। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने दिल्ली विधानसभा के कुछ ऐतिहासिक बातें भी लोगों के समक्ष रखी। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों को गिनाना भी नहीं भूले। इस मौके पर अग्रवाल समाज के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों को समाज में उनके अग्रणीय योगदान को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने विशेष तौर पर सम्मानित किया। इसके अलावा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए कार्यक्रम में सीमित संख्या में ही लोग नजर आए। महाराज अग्रसेन जी की जयंती जो कल आ रही है, उसकी पूर्व संध्या पर महाराज अग्रसेन जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर आज हम चले, यही एक संदेश और उसी के निमित्त ये कार्यक्रम रखा। ये आज का कार्यक्रम महाराज अग्रसेन धाम कुंडली की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें महेंद्र गोयल जी, राजेंद्र जी, जगदीश जी, उनकी पूरी टीम, हमारे विधायक राजेश जी, शिवचंद गोयल जी, ये सब उपस्थित थे। अनेक कंट्रोल बोर्ड के मेंबर थे, ट्रस्टी थे और एक संक्षेप में कार्यक्रम रखा गया था विधानसभा। आज हमारी पूरी टीम का ही नहीं बल्कि संपूर्ण अग्रवाल समाज का ये गौरव है कि दिल्ली की विधानसभा में आज महाराजा अग्रसेन जयंती का डंका बजा है। समाजवाद प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी की पावन जयंती का आयोजन से आज पूरा समाज गौरवान्वित हुआ है, जिसके लिए मैं विशेष रूप से विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री रामनिवास गोयल जी और हमारे माननीय मार्गदर्शक श्री महेंद्र गोयल जी, अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि कोरोना महामारी के समय में भी सभी ने पूर्ण रूप से भारतीय सरकार की हिदायतों का पालन करते हुए और बहुत ही सूक्ष्म संख्या में महाराजा अग्रसेन जयंती का एक विशाल कार्यक्रम आयोजित करके इसे मनाया। मैं सभी को बधाई देता हूं महाराजा अग्रसेन जयंती की। और बड़े स्तर पर इसको भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और लोग दूर दूर से पूरे विश्व से आएंगे यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, साथ में जो सामाजिक कार्य हैं उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे और अपने आप में ये अनूठा धाम बने, ऐसा जो है हमारा विचार है। कोई फीस नहीं रहेगी, ये बकायदा जो है ये अग्रवाल समाज का है, अग्रवाल समाज के लोगों ने इसमें पैसा लगाया है, करोड़ों रुपये की बजट से इसको बनाया जाएगा। लोग इसमें आनंद लें और जो चीज़ें यहाँ पर जो सुविधाएँ मिलेंगी, मान लीजिए ऑडिटोरियम बनाने की बात है, कोई सिविल सर्विस के लिए कोचिंग देने की बात है, कोई अस्पताल में इलाज करने का मामला है, कोई ब्याह शादी अपने समुदाय के अपने परिवार के बच्चों कर सकते हैं, तो वो भी बड़े एक छोटे कम दाम उनसे वसूले जाएंगे, जिसको हम सब्सिडाइज रेट्स बोलते हैं, उनके ऊपर उनको दिया जाएगा सुविधाएं और वो विश्व स्तरीय सुविधाएं होंगी, उसको वो लोग उसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। कार्यक्रम में सभी लोगों में महाराजा अग्रसेन के प्रति एक अलग ही जोश एवं उत्साह देखने को मिला। दिल्ली विधानसभा में आयोजित इस कार्यक्रम को लेकर श्री अग्रसेन धाम के सदस्यों ने मुख्य अतिथि का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक कार्यक्रम कहा। साथ ही अग्रसेन धाम की आगामी परियोजनाओं के बारे में भी बताया। दिल्ली से अपने सहयोगी अनुज झा के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।